नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का नॉमिनेशन फॉर्म, जिसे हम DA-1 नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं, इसे भरा जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं DA-1 नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है। देखिए, नॉमिनेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको भरने के बाद आप अपने अकाउंट में एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं। जनरली होता यह है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं, चाहे सेविंग अकाउंट में हैं ये करंट अकाउंट में, चाहे फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, तो जो भी पैसा आपके अकाउंट में बचा है वो आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है, यानी वापस कर दिया जाता है। तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं, अपने परिवार में वाइफ को, फादर को, हस्बैंड को, मदर को, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है, यही नॉमिनेशन फॉर्म होता है। तो अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक कॉलम होता है नॉमिनेशन का, लेकिन अगर आपने पहले बहुत पहले अकाउंट खुलवा रखा है तो हो सकता है अपने अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया। तो आज ही बैंक में अपनी होम ब्रांच में जाके एक बोलिएगा DA-1 नॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए, और उसके बाद आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, और आपके अकाउंट में एक नॉमिनी अपॉइंट हो जाएगा। तो एंट्रीज आपको किस तरह से भरनी है इस फॉर्म में, तो मैंने पहले से जो है एक नमूना फॉर्म यहाँ पर भर रखा है। तो चलिए देख लेते हैं एंट्रीज आपको किस तरह से भरनी है। तो जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, यहाँ हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है। तो बेसिकली मैंने इंग्लिश चूज़ किया, आप चाहे तो हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भरना है, सबसे पहले सिंगल अकाउंट है तो आई पे आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, ये हिंदी वाला है, ऊपर वाला आपको छोड़ देना है, हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई पे आपको टिक लगा देना है अगर सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट खाता है तो वी पे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको जिस नाम से आपका अकाउंट चलता है, अकाउंट नेम आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद एक स्लैश डालना है और अपना पूरा एड्रेस डाल लेना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के, ठीक है। तो पहले लाइन में आपको ये करना है। अब आता है दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन में आपको बस अपनी होम ब्रांच का नाम और एड्रेस डाल देना है, ताकि इसमें ये साफ साफ लिख रखा है अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी डेथ हो जाती तो जो भी पैसा है ये ब्रांच मेरे नॉमिनी को, जिसकी इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है, उसको वापस कर दे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी होम ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देना है और साथ ही साथ होम ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये आपको ब्रांच से मिल जाएगा, बैंक का एड्रेस, ठीक है। अब उसके नीचे आता है नॉमिनी का डिटेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको अपॉइंट करना है नॉमिनी। तो सबसे पहले कॉर्नर में आते हैं नेचर ऑफ अकाउंट पे। यहाँ पे अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको ऐसे लिख देना है, या कैपिटल में भी लिख सकते हैं सेविंग अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट है तो आप लिख सकते हैं करंट अकाउंट, या अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी आप लिख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है करंट सेविंग अकाउंट में ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम आता है डिस्टिंग्विश नंबर और एडिशनल डिटेल, ये आपको छोड़ देना है। और यहाँ से आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है। सबसे पहले नेम में नॉमिनी का नाम डाल लेना जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डाल लेना है, ठीक है। आपके घर का अगर नॉमिनी है तो उसका अपने घर का एड्रेस डाल लीजिएगा, ठीक है, बेसिकली नॉमिनी का एड्रेस। उसके बाद रिलेशन डाल लेना है कि क्या आपका उसके साथ रिलेशन है, ठीक है। अगर फादर को बनाना चाहे, मदर को बनाना है, जिसको जो भी रिलेशन होगा वो आपको डाल लेना है। जैसे कि मैंने फादर को नॉमिनी बनाया तो मैंने फादर यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद जिसको भी आप नॉमिनी बनाएंगे उसकी एज यहाँ पर आपको डाल लेनी, तो मैंने जैसे एज डाल ली यहाँ पर। और आखिरी कॉलम आपको तब भरना है अगर आप ऐसे अपने परिवार में ऐसे इंसान को नॉमिनी बनाते हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो उस कंडीशन में उसकी एज यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है। लेकिन तभी आपको डालनी है जब उसकी एज 18 साल से कम है और आप उसे नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अगर आप 18 साल से ऊपर के इंसान को नॉमिनी बनाते हैं तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये कॉलम आपको छोड़ देना है। ये कॉलम जो है बैंक भरेंगे, ये रिसिप्ट के तौर पर आपको वापस कर दिया जाएगा, ये कॉलम को नहीं भरना है। तो चलते हैं सेकंड पेज पे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप नॉमिनी 18 साल से कम के इंसान को बनाते हैं तो उस कंडीशन में बैंक के जो रूल्स ये कहते हैं कि आपको एक गार्जियन चूज़ करना पड़ेगा जो नॉमिनी के बिहाफ में पैसे ले सके आपके, अगर आपकी डेथ हो जाती है कैजुअली, ठीक है। तो ये कॉलम को कैसे भरना है, तो ऊपर हिंदी वाला है, ऊपर हम छोड़ देंगे, नीचे आते हैं, ठीक है। एज अ नॉमिनी इज माइनर ऑन दिस डेट, ठीक है, यानी कि आज की डेट में नॉमिनी 18 साल से कम का है, तो उस कंडीशन में आपको अपने परिवार में एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा जो नॉमिनी के बिहाफ में पैसे ले सके, ठीक है। जो भी गार्जियन आप अपॉइंट करेंगे उसकी एज जो होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है, जो गार्जियन के तौर पर हो नॉमिनी के बिहाफ में, ठीक है, उसका आपको नाम डाल लेना है और स्लैश डाल के उसका घर का एड्रेस डाल लेना है, और उस
गार्जियन की एज भी आपको डालनी है, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले उसका नाम डालना है गार्जियन का, फिर एड्रेस डालना है, फिर एज डाल लेनी है, इन दो कॉलमों में, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको इस प्लेस में सिटी का नाम डाल लेना है, नीचे डेट डाल लेनी है, ठीक है, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको साइन करना है, ठीक है, और साइन आपको वो वाला करना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ विटनेस, यहाँ पर आप जो नॉमिनी का, जिसने आपको नॉमिनी को बिहाफ में जिसको आप अपॉइंट करेंगे, ठीक है, गार्जियन, उससे आप यहाँ पे साइन करा सकते हैं, या यहाँ पे आपको विटनेस में आप ऐसे इंसान से भी साइन करा सकते हैं जिसका पीएनबी में ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, तो आप किसी से भी साइन करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने नॉमिनी पहले से ही ऐसे इंसान को चुन रखा है जो 18 साल से ऊपर का है, तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है, सिर्फ नीचे के एंट्रीज आपको भरनी है जिसमें प्लेस आता है, डेट आता है और सिग्नेचर आता है, ठीक है, और बाकी एंट्रीज आपको नहीं भरनी है, ठीक है। तो फॉर्म पूरी तरह से भर चुका है और इस फॉर्म को आप अपनी होम ब्रांच में सबमिट कर देंगे अगर आपने अभी तक नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया है तो। वेल, इतना करने के बाद आपके अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट हो जाएगा, और कभी भी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो भी आपका फंड होगा, जो आपकी बैंक में बचा होगा, वो आपकी नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो इस ढंग से इस फॉर्म को भरा जाता है। तो अगर आज अभी भी आपने नहीं नॉमिनी अपॉइंट किया, तो आज ही अपने नज़दीकी बैंक जाके फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपने सीख लिया होगा। अभी भी आपका कोई डाउट है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।